हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है विक्स स्टॉक स्कूल। सॉरी, मैं इस वीडियो में आइडिया के शेयर के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये शेयर ऊपर जाएगा या नीचे। तो जैसे ये यहाँ पे आपको कहाँ पे यहाँ पे ट्रेड लेनी है और कहाँ पे एग्जिट करना है, ये मैं पूरी इस वीडियो में आपको समझाऊंगा, जिससे कि आप खुद अपना एनालाइज कर सकते हैं और फिर खुद अपने हिसाब से पोजिशन बना सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए जानने के लिए। साथ में जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपके सामने आते रहें। और साथ में जो लोग मेरे यहाँ पे इंट्राडे में अच्छे खासे पैसे कमाना चाहते हैं वो यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं और अच्छे खासे पैसे ज्वाइन कर सकते हैं इंट्राडे के हिसाब से। तो यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे चीज दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, 3 रुपए के पास ये ऊपर की ओर गया। कल के दिन यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई लेकिन उसके बाद यहाँ से ये नीचे आ गया। तो यहाँ पे मैं इसका एक चीज आपको बता देता हूँ। यहाँ पे यहाँ से जो गैप अप ओपनिंग हुई थी यहाँ तक, तो ये इसके लिए हुई थी क्योंकि निफ्टी जो थी, निफ्टी फिफ्टी जो थी वो गैप अप ओपन हुई थी, लेकिन उसके बाद निफ्टी फिफ्टी में यहाँ से ऊपर की ओर गई। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट में। निफ्टी फिफ्टी ने यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया एक अच्छी कैंडल बनाई यहाँ पे ग्रीन। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका जो वॉल्यूम है वो नीचे डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से जो यहाँ पे ये ऊपर अपसाइड की ओर गई है, यहाँ ये एक फेक यहाँ पे मूव मानी जा रही है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, इसका जो यहाँ पे investing.com पे यहाँ पे शो नहीं कर रहा इसका वॉल्यूम अभी, लेकिन यहाँ पे आप इस लाइन के हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ से ये जो लाइन है वो नीचे की ओर आ रही है, मान ली इसका मतलब है ये जो इसका जो वॉल्यूम है वो कम से कम यहाँ पे इसके नीचे ही आ, इस कैंडल से नीचे नीचे ही रहा है, इसलिए मूव कैंडल जो है वो नीचे की ओर आ रही है। तो इसका मतलब यही है कि जो मूव है वो फेक मूव है और यहाँ से जो शेयर है वो सॉरी यहाँ पे जो मार्केट है वो फिर से नीचे जरूर आएगी। तो इसी हिसाब से ये जो है यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, यहाँ से उसी मूव के हिसाब से यहाँ से जो मार्केट थी वो ऊपर की ओर चली गई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ से फिर से जो हमारा आइडिया का शेयर है वो नीचे की ओर आ गया। और आज के दिन फिर से आप देखिए, यहाँ से फिर से नीचे की ओर आ रहा है। और साथ में आप यहाँ पे मैंने आपको निफ्टी का यहाँ पे वॉल्यूम दिखाया, आप यहाँ पे इसका भी वॉल्यूम देख सकते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनती है उसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल बनती है, तो यहाँ से जो वॉल्यूम है, अगर मान लीजिए पहले दिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है उसके बाद अगले दिन फिर ग्रीन कैंडल बनती है लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो पिछली कैंडल से नीचे है, इसका मतलब है वो एक सस्टेन ज्यादा नहीं कर पाएगा और यहाँ से थोड़ा सा नीचे की ओर आ सकता है। तो अगर मान लीजिए हम तब कह सकते थे यहाँ से ये ऊपर की ओर जाएगा, अगर यहाँ पे इसका आप वॉल्यूम देखिए, अगर ये वाली अगली इसको वॉल्यूम की कैंडल है वो अगर इसके ऊपर चाहे इतनी ही होती तब हम कह सकते हैं ये जो मूव है वो अपसाइड की ओर जा रहा है। लेकिन यहाँ से आप देखिए, यहाँ से गैप अप भी ओपन हुआ और ये शेयर जो है वो ऊपर की ओर ही रहा कल के दिन यहाँ पे, लेकिन फिर भी जो इसकी यहाँ पे वॉल्यूम है लोगों ने यहाँ पे इसमें बिल्कुल भी बाइंग नहीं की। तो इसका मतलब यही है, लो वॉल्यूम का मतलब होता है लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अगर मान लीजिए जो शेयर है वो ऊपर की ओर जा रहा है लेकिन लोग वहां पे पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, वहां पे शेयर खरीद ही नहीं रहे हैं, तो उसका मतलब यही है कि वो शेयर ज्यादा टाइम तक वहां पे टिक नहीं पाएगा। क्योंकि अगर वहां पे लोग ट्रेड ले ही नहीं रहे हैं तो वो शेयर ज्यादा ऊपर जाएगा ही नहीं। उसी हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं, शेयर जो है ऊपर जाने के बाद फिर से आज थोड़ा नीचे इसने यहाँ पे चल रहा है। सो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से ग्रीन कैंडल इसने नहीं बनाई अभी, यहाँ से ये नीचे की ओर ही आ रहा है। और इसका वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं, ये वॉल्यूम भी अभी थोड़ा कम ही है। यहाँ से मैं आपको यही कहूंगा कि आप बिल्कुल होल्ड कीजिए, यहाँ पे बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिए। अभी आप थोड़े टाइम में यहाँ पे ये शेयर जो है थोड़ा फिर से कोई ना कोई मूव दिखा सकता है। तो आपको मैं यहाँ पे कहूंगा, अगर आपको यहाँ पे 3 रुपए के बाद एग्जिट करना है तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपको कभी भी यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से नहीं देखना, आपको यहाँ पे वॉल्यूम भी देखना है प्राइस एक्शन के हिसाब से। अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई भी ग्रीन, अगर मान लीजिए मूव अप ऊपर की ओर जाती है कैंडल, लेकिन यहाँ पे जो कैंडल है इसी प्रकार यहाँ से छोटी छोटी कैंडल बनती है, तब यहाँ से हम कह सकते हैं कि अभी कोई बड़ी यहाँ पे एक ट्रेंड नहीं बन सकता। तो अगर मान लीजिए कोई भी यहाँ पे दो एक या दो कैंडल यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे इस कैंडल के हिसाब से यहाँ पे मैंने यहाँ पे यह मेरा कर्सर है यहाँ पे, अगर इतना वॉल्यूम इसने दे दिया तो इसका मतलब है यहाँ से जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ से नीचे की ओर भी आ गया लेकिन यहाँ से जैसे आप देखिए इतने वॉल्यूम के साथ नीचे आया, तब भी हम नहीं कहेंगे कि ये इसका जो ट्रेंड है वो डाउन साइड की ओर है। तो अगर यहाँ पे इसने 3 रुपए के लेवल को यहाँ पे टच भी किया और उसके बाद यहाँ से नीचे इसने मान लीजिए क्लोजिंग दी लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो कम होगा,
तब हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ से जो शेयर है वो नीचे की ओर जाएगा। अगर इसने 3 रुपये से नीचे की ओर क्लोजिंग दी लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होगा, तो इसका मतलब यही होता है। आप सिंपल भाषा में समझिए कि यहाँ पे अगर नीचे की ओर आ रहा है, लोगों ने यहाँ पे अंधाधुंध यहाँ पे सेलिंग करनी स्टार्ट कर दी है, सो अंधाधुंध सेलिंग करेंगे तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर यहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, सो इसका मतलब यही है कि लोगों को लगता है कि यहाँ पे अभी ये शेयर जो है नीचे नहीं जा सकता, तो उसी हिसाब से यहाँ पे शेयर की मूवमेंट होगी। तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम के हिसाब से भी पूरा यहाँ पे नजरिया रखना है आपको। अगर वॉल्यूम अगर इसी प्रकार रहेंगे तो आपको मैं कहूंगा आप यहाँ पे होल्ड ही कीजिए यहाँ पे, अगर आपने खरीदा है। लेकिन अगर आपने नहीं खरीदा है तो आप यहाँ पे वेट कीजिए, यहाँ पे 3 रुपये का ही लेवल आपके पास जरूर आ सकता है। तो यहाँ से अगर ये 3 रुपये का लेवल आएगा तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ से आप वॉल्यूम के हिसाब से भी देखा करिए हमेशा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी आपकी क्वेरीज है आप नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।